पुनर्स्थापना मंच ने विस्थापन पुनर्वास और मुआवजे की दर सहित अन्य मांगों को लेकर एनसीएल मुख्यालय मोरवा में प्रदर्शन करते हुए धरना दिया, जिसके चलते 5 घंटे तक एनसीएल के अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर में कैद रहे। सिंगरौली में पुनर्स्थापना मंच ने मोरवा के सभी विस्थापितों का समर्थन करते हुए हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर एनसीएल मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान एनसीएल मुख्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी 5 घंटे तक अपने कार्यालय में कैद रहे, जिसके बाद एनसीएल प्रबंधन का एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन लेने आया। एनसीएल महाप्रबंधक ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए आम जनता को यह आश्वासन दिया कि इन सभी बिंदुओं पर अधिकारियों से चर्चा के बाद सहमति बनाकर निर्णय लिए जाएंगे। मान लीजिए यह है कि एनसीएल से हमने प्रथम दिन से यह डिमांड किया था कि हमारी बसाहट नगर निगम से नगर निगम में होनी चाहिए, लेकिन एनसीएल ने उसे भलुगढ़ कर दिया, जो कि इस क्षेत्र का सबसे पिछड़ा गांव है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी बात कही थी कि हमारे, चूंकि यह इस जिले का ये ऐसा विस्थापन है जो कि कारपोरेट विस्थापन हो रहा है, सारी जमीनें कमर्शियल हैं, दुकानें ज्यादा हैं, 1 डिसमिल 2 डिसमिल में व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं। अब 1 डिसमिल 2 डिसमिल वालों को अगर स्क्वायर फीट से पैसा दिया जाएगा तो उनकी दुकानों का समझ लीजिए कि न्यू का भी मूल्य नहीं होगा। नगर निगम जितनी भी दुकानें बेचता है वह कहीं ना कहीं ऑक्शन के माध्यम से बेचता है, और आप जब ऑक्शन के माध्यम से दुकान लेते हैं तो दुकानों कीमत 20 से 25 लाख होती है, और आप उसका 2-2.5 लाख रुपए देंगे तो वह न्याय उचित नहीं है। और नगर निगम को चलाने के लिए जो 1 नंबर से 11 नंबर वार्ड प्रथम वार्ड बना था, कि नगर निगम की जब स्थापना हुई थी तो प्रीमियम वार्ड इसको माना जाता था, तभी हमें 1 से 11 की उपाधि मिली, और आज वह पूरे जिले का सबसे निकृष्ट वार्ड की श्रेणी में आ गया है। यह दुख होता है कि अगर हमें सरकार ही हमारे साथ छलावा करेगी तो जनता आखिर जाए कहाँ? सरकारी तंत्र है, पैसा इनको अपनी तनख्वाह से नहीं देना है, लेकिन यह प्राइवेट कंपनियों से भी ज्यादा बुरा हाल हमारा करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग मजबूर होकर इस जन आंदोलन के रूप में आज एनसीएल के सामने खड़े हैं। और यह आंदोलन इतना बड़ा होगा कि हम इनकी सारी खदानें भी बंद करेंगे, और आपको बता दें, और तब भी अगर यह नहीं सुने तो हम दिल्ली जंतर मंतर तक भी जाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।